बित्ता कराटे की पत्नी को बर्खास्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है। बित्ता कराटे की पत्नी समेत कुल 4 लोगों को बर्खास्त किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बित्ता कराटे जिसकी पत्नी को कार्रवाई के तौर पर बर्खास्त किया गया, ना सिर्फ पत्नी बल्कि कुल 4 लोग ऐसे हैं जिन पर बर्खास्तगी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिट्टा कराटे और फारूक अहमद डार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है और नरसंहार जो हुआ था कश्मीरी पंडितों का उसमें एक बड़ा नाम है और इसकी पत्नी के खिलाफ अब यह कार्रवाई की गई है। ईशान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ईशान, बिट्टा कराटे की पत्नी पर जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, फिलहाल तो ये बताया जा रहा है कि इन 4 जो एम्प्लॉय है सरकारी मुलाजिम है उनको बर्खास्त कर दिया गया है सर्विस से, जिसमें बिट्टा कराटे की बीवी है जो जितनी हमारी सूचना है वो एक कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है, उसके अलावा एक साइंटिस्ट है कश्मीर यूनिवर्सिटी में, उनको भी सैक कर दिया गया है। इनके ऊपर जो आरोप है वो मिलिटेंसी के रिलेटेड लिंक्स के हैं। अब ये आगे देखना होगा कि आगे ऑर्डर में क्या लिखा होगा कि क्या वजह रही है। इसके अलावा आपको बता दूं जो सैयद सलाहुद्दीन है जो कि यूनाइटेड जहाद काउंसिल चलाते हैं पाकिस्तान से, कश्मीर के जो मिलिटेंट्स आउटफिट है उनके जो चीफ हैं, उनके जो बेटे यहाँ पर काम करते थे उनको भी जो है इसमें सैक कर दिया गया है, जिनका नाम बताया जा रहा है कि सईद अब्दुल मुईद था जो कि मैनेजर थे JKEDI में, जिनको हटा दिया गया था और इनके खिलाफ जो है सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और 4 ऐसे और मुलाजिमों को निकाला गया है जिनके ऊपर जो है ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जो है मिलिटेंसी से लिंक जुड़े हुए थे। जी, तो ये उस दिशा में देखें तो ये बड़ी कार्रवाई है। और साथ ही साथ ईशान, क्योंकि बिट्टा कराटे का नाम जिस तरीके से कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के अत्याचार से जुड़ा हुआ है, उस लिहाज से भी देखें तो कश्मीरी पंडितों के लिए एक बड़ा इंसाफ है। जी देखिए, कश्मीरी पंडित की इस पे रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि कैसे वो उसको देखते हैं। हालांकि जब फिल्म आई थी कश्मीर फाइल तो उसके बाद लगातार कश्मीरी पंडित ये कह रहे थे कि उनके इंसाफ चाहिए और लगातार बिट्टा कराटे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, चाहे उनके घर वाले हो, बीवी हो, तो अब उसको कैसे देखा जाए कश्मीरी पंडित की तरफ से वो देखना जरूरी होगा। लेकिन फिलहाल बड़ा कदम है सरकार की ओर से, क्या रिएक्शन पॉलिटिकल पार्टीज की वो देखना होगा। ठीक है ईशान, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आप जम्मू कश्मीर सरकार के इस फैसले को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि बिट्टा कराटे एक ऐसा नाम जिस पर आरोप है कि कश्मीरियों खासतौर पर कश्मीरी पंडितों पर उसने नरसंहार किया और उसकी पत्नी के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है, तो कैसे देखना चाहिए इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, इसे कहते हैं सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अलगाववाद की तरफ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद की तरफ। यही एक वजह है कि जब उसकी पत्नी के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो ये एक संकेत दिया जाता है कि अब वक्त खत्म हो गया है कि जब आपको प्रीमियम मिला करता था सेपरेटिज्म पे, जब आपको टेररिज्म पे प्रीमियम मिला करता था, अब टेररिज्म पे और अलगाववाद पे कोई प्रीमियम नहीं मिलेगा, अब सिर्फ बात होगी तो राष्ट्रवाद की बात होगी। ये बिट्टा कराटे वो शख्स है देखिए जिसने उस समय एक इंटरव्यू में कहा था कि 40 के करीब कश्मीरी पंडित मारे हैं इसने, तो ये कश्मीरी पंडितों का कातिल। आपने देखा कि किस तरीके से कश्मीर फाइल के बाद एक मुहिम छिड़ी और एक आवाज उठी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कश्मीरी पंडितों की आवाज को दबा के रखा गया था, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर कश्मीर फाइल मूवी आती है तो उसके बाद लोगों को पता चला कि किस जुल्म और सितम से इनको गुजरना पड़ा है। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। क्यों पलायन करना पड़ा? चुन चुन के बिट्टा कराटे जैसे लोग उनको मार रहे थे, यासीन मलिक जैसे लोग उनको टारगेट कर रहे थे। और देखिए किस तरीके से जो शहीद हुए थे उस समय रवि खन्ना, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला था। और जो यासीन मलिक और प्रदीप, यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। कश्मीरी एक्टिविस्ट सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये एक बड़ा एक्शन कहा जा रहा है जब बिट्टा कराटे की पत्नी को बर्खास्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से। बतौर कश्मीरी पंडित, बतौर एक्टिविस्ट, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे आंक रहे हैं? मैं हैरान हूं, इस देश ने पाला है अपने दुश्मनों को। यही बिट्टा कराटे की पत्नी जी क्या कुछ हफ्तों, महीनों, सालों से थी? कितने सालों से थी वहां? यही सैयद सलाहुद्दीन के बेटे कितने बेटे, कितने सालों से थे? यही सैयद अली शाह गिनानी का नाती, यही नईमा खान, ऐसे कितने लोग मीडिया में, एकेडेमिया में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पुलिस में,
कहां कहां नहीं है और सैकड़ों और हजारों की संख्या में है। हम कर क्या रहे हैं? दशकों में, सालों में हम एक या दो लोगों को उठा करके नौकरी से बाहर कर देते हैं और उसका ढिंढोरा पीटा जाता है, जबकि पूरे के पूरी व्यवस्था में इनको शरण दी गई है, इनको पाला गया है, इनके नखरे उठाए गए हैं और इसी कारण पूरे के पूरे प्रशासन को भ्रष्ट कर दिया गया है। वो अड्डा बन गया है पृथकतावाद का, हिंसा का, जिहाद का, हुर्रियत के सब नेताओं के सभी बच्चों और रिश्तेदारों को इस तरह नौकरियों पर रखा गया है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा हमारे उपराज्यपाल जी से कि इतने समय बाद अगर इनको दो या तीन लोग मिले हैं अब, तो इस स्पीड से काम नहीं हो पाएगा। टास्क फोर्स बनाइए, लिस्ट बनाइए और चुन चुन कर हर विभाग में से इनको बाहर कीजिए और फिर इन पर चार्जशीट लगाकर मुकदमे चलाइए, इससे वसूली वापस पाइए। बिल्कुल, वरना कश्मीर में व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। बिल्कुल सर।